नारायणगढ़ में उपायुक्त महोदय अम्बाला के आदेशानुसार एसडीएम अदिति ने शहर के बाजारों को लेफ्ट राइट सिस्टम के अनुसार खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं और नगरपालिका विभाग द्वारा बाजारों में लेफ्ट व राइट मार्किंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं थाना नारायणगढ़ के एसएचओ अरविंद कुमार ने भी आज बाजार में गश्त बढ़ा दी और दुकानदारों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की हिदायत दी। वहीं दुकानदार भी अपनी दुकानों में आने वाले ग्राहकों को जहाँ सैनिटाइज कर रहे हैं, वहीं किसी ग्राहक के पास मास्क न होने पर उसे मास्क भी दे रहे हैं। उपायुक्त महोदय के आदेश के अनुसार 10 से 5 का समय तय किया गया है बाजारों के लिए, जिसमें एक भीड़ को रेगुलेट करने के लिए लेफ्ट और राइट सिस्टम अपनाया गया है, जिसमें हफ्ते में 3 दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी और हफ्ते में बाकी के बचे हुए 3 दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी। म्युनिसिपल कमेटी द्वारा निश्चित किया जाएगा कि कौन सा बाजार का लेफ्ट है और कौन सा राइट है। इसके लिए प्रॉपर मार्किंग जो है वो होना शुरू हो गया है। सभी दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग हमने कल शुरू करवा दी थी, आज वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इसके बाद सभी दुकानदारों को, जो उनके ग्राहक आएंगे, उनको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा भीड़ ना हो और किसी भी दुकान में क्रेता, विक्रेता और उसके स्टाफ के समेत 5 से अधिक व्यक्ति एक समय में दुकान के ना इकट्ठे हों। 10 साल से छोटे बच्चे, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और कोई अगर गर्भवती महिलाएं हैं, उनको डीमोटिवेट किया जाएगा कि इस तरीके के लोग बाजार में ना आए, उनका प्रोहिबिट होगा बाजार में आना।